वेलकम टू माय चैनल हयात व्लॉग। अचार किसे नहीं पसंद। अचार का नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी और आ जाती है दादी की याद। तो आज बनाते हैं दादी की रेसिपी गोभी का अचार। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम गोभी को उबालते हैं। उसके लिए मैंने एक भगोने में पानी लिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर दें, पानी में नमक डाल दें 2 बड़े चम्मच, या फिर गोभी के हिसाब से डालें। मैंने 2 मीडियम साइज़ के गोभी लिए हैं, इसलिए मैंने 2 बड़े चम्मच नमक लिए हैं। गोभी को पानी में डाल दें। कट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी साइज़ में काट सकते हैं गोभी। पानी इतना हो गोभी पूरी तरह से डूब जाए, उसके बाद इसे उबाल होने तक पकाते हैं। एक उबाल आ चुका है, 10 से करीब 15 मिनट लग चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम गोभी को 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखाएंगे, या फिर इतना कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो गोभी को रखते हैं हम धूप में और तब तक बनाते हैं अचार का मसाला। एक पैन को गरम करते हैं, उसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2-3 टुकड़े दालचीनी, 4-5 लौंग, 4-5 बड़ी इलायची और 2 बड़े चम्मच मेथी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बस एक बर्तन में निकाल लें। फिर उसी पैन में 50 ग्राम मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, इसको भी कलर चेंज होने तक भूनना है। ये बिल्कुल भून चुकी हैं, देखिए। बस इसे अब पीस लें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। इसे हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। और इसमें डालें 1 कटोरी सरसों पीली, इसे हमें नहीं भूनना। ये देखिए बस इतना ही, ऐसे ही मसाला पीसना है, ज़्यादा बारीक ना करें। गोभी सूख चुका है हमारा, 2-3 घंटे हो चुके हैं। अब मिलाते हैं अचार। इसमें मैंने मसाला लिया, 1 चम्मच अजवाइन डाली, 1 चम्मच मगरेला या इसे कलौंजी भी कहते हैं, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच हींग, 2 चम्मच नमक या फिर टेस्ट के हिसाब से। नमक हमने पानी में भी डाला था गोभी उबलते टाइम, इस चीज़ का ध्यान रखें। 1 कटोरी लहसुन, उसे कूट कर डालें। 1/2 कटोरी अचार में हमेशा सरसों का ही तेल डालें, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मिक्स कर लें। पहले तेल में मसालों को मिक्स करना है और तेल डालें जब तक कि अच्छी तरह हमारा मसाला ना मिक्स हो जाए। मिलाएं तेल को मसाले में। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से मिल चुका है। अब डालते हैं इसमें गोभी। गोभी हमारा सूख चुका है, इसे मैंने 2-3 घंटे धूप में सुखाया था। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है,
पानी होगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। इसे आप एक साल तक स्टोर कर सकते हैं। मसाले में अच्छी तरह गोभी को मिला लें। ये देखिए, मिलाने के बाद इसे एक जार में भर लें। आप चाहें तो इस टाइम इसमें अदरक या हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, इसका मिक्स अचार भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा सारा अचार जार में आ गया। अब डालते हैं इसमें थोड़ा सा और तेल। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और बस 6 से 7 दिन इसे धूप में रखें, आपका अचार रेडी है।